सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है। कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हमें भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। अरे सारा दिन धंधा करेंगे कि पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। कहाँ से कहूँगा? मैं पिछले दो दिन से चतुलाल टैक्स स्टैंड को ढूंढ रहा हूँ। वो देखो छोटा सा बच्चा अपनी मैडम के साथ क्या पटर पटर बातें कर रहा है। कैसे हो चतुलाल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है। क्या मैंने कहूँगा? भाग कर क्यों आए? घर वाले परेशान नहीं होंगे क्या? चाचा! अरे प्रकाश, हाँ तू यहाँ क्या कर रहा है? आपने मुझे वापस नहीं भेजा, मैं आपका राज राजी रखूंगा। हमने कह दिया आपकी दुकान पर प्रकाश के सिवा और कोई काम नहीं करेगा। दोपहर का स्कूल है, सिर्फ 3 घंटे का। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। रमेश प्रकाश का साहब। हाँ क्या हुआ? साहब प्रकाश कहीं गायब हो गया। क्या मान जाओ, और जो स्कूल में तुम्हारी परेशानी होंगी ना उसे मैं सुलझा दूंगा। ये लो आपका पार्सल। चाचा मैं स्कूल जाऊंगा। अब बताओ जब ये बजेगा तो तुम कैसे क्या करोगे? नमस्ते, समस्या चाचा के दुकान से बोल रहे हैं, न्यू पॉइंट सेंटर, आप कौन? वाह 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 वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख जाओगे भाई, मगर आपके फोन जरा ठीक से उठाना। ऐसे चाचा, ऐसे तो फोन बहुत फायदा देगा। हाँ चरसिया बाबू, बच्चे को फोन करने का नया तरीका सिखा रहे हैं। वो थोड़ा उल्टा हो गया। चाचा हाँ, मैं फोन इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ। कैसे? नमस्ते, सरस्वती चाचा की दुकान से बोल रहा हूँ, न्यू पॉइंट सेंटर, आप कौन? ऐसे थोड़े ना करते हैं। देखो जब कोई फोन आए टिरिंग टिरिंग, हाँ हेलो हु स्पीकिंग, पान की दुकान स्पीकिंग, यस यस पान खाएं। ये क्या था? ये अंग्रेजी थी लल्लू। बहुत गुड बहुत गुड। देखो जब किसी पर ध्वज जमानी हो ना तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हमेशा अंग्रेजी समझेगा कौन? माना कि हमने अंग्रेजी में हेलो हाउ आर यू बोल दिया पर उसने अटक पटक कहा तो हम क्या करेंगे? बात सुनाने सच है। हाँ ठीक है, पर ये बताइए कि ये फोन लगा कब? ये तो खैर जब लगा तब लगा, अब तो लग गया ना। आओ मुन्ना, हम तुमको बताते हैं कि कैसे किसी को फोन पे बुलाते हैं। अरे हमें मालूम है, तुम यही बोलोगे ना कि हम काहे किसी को बुलाएं फोन पे है? लेकिन मगर वो क्या अगर मगर लगा रखी है। देखिए अब आगे से हम कभी कोई फोन करेंगे तो कहाँ है फोन, कहाँ लगा है, दुकान किसकी है? बस तो फिर यही देखिए, अभी हम वकील साहब को फोन मिलाते हैं, तो एक मिनट फोन मिलाने दीजिए ना। 8 को तोड़ो 2 अंडा, 2 पैदल उल्टे 1 टूटा झंडा। हेलो हेलो हुईल हेलो, क्या बात है तिरोतिया भैया, आपका फोन तो एकदम शांत स्वभाव का है, आप पे बिल्कुल नहीं गया। इतनी देर से हम तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका कनेक्शन कहाँ हुआ है? अभी तक तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस।
अरे नया फोन, अरे नहीं, ये नहीं, कब लगा? अरे वाह, अब तो हम यही नंबर देंगे, हमारा फोन। अब जरा देना एक आध नंबर, जरा घुमा ही दे, अब तो नए फोन से रोशनी आ जाएगी। रहा धाक की तीन पार, माथा पान की पीक से भरा है क्या? आप इसका पीक साफ कीजिए मुन्ना, चलिए। कहाँ जा रहे हैं? अरे आज इसका एडमिशन है ना, आओ तुम्हारा कल्याण करवा दे। कोई फोन आया तो कह दीजिएगा, प्रकाश जी भाग गए हुए हैं। अरे बाप रे, अगर हमें भी बचपन में कोई ऐसा मिल जाता तो हम भी कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। नहीं, अरे पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, अब हम अनपढ़ को बुरे लगते हैं क्या? अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे, कुछ बनने के लिए, तरक्की करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब हमें देखो, पिछले साल से सिनेमा की टिकट काट रहे हैं, अब कहीं भी जाते हैं तो सब यही पूछते हैं, पढ़े हो? लो पान खाओ, ये हमारी तरफ से। और तुम फिकर मत करो बबुआ, हर एक आदमी का टाइम आता है, और पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं है। पैसा आजकल के जमाने में फायदा होता सिर्फ इससे इससे, और ये कमाया जाता सिर्फ मेहनत से, समझे? अगर मेहनत ही एक चीज होती तो सड़क का मजदूर ना लखपति बन जाता, वो क्या कम मेहनत करता? देख लेना, जब ये लड़का पढ़ लेगा तो क्या कमाल दिखाएगा। अरे हम भी यही चाहते हैं, ये पढ़ जाए, राम जाने इसी के सारे हम कहीं निकल जाएं। सॉरी, यहाँ तो एडमिशन नहीं मिलेगा, सॉरी। अरे भाई जाओ जाओ, ये बात नहीं समझते हो क्या, एडमिशन नहीं है यहाँ। अरे कहा ना आपको, यहाँ एडमिशन खाली नहीं है, हमारी फीस बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, जाइए जाइए। हमारा ऐसा स्कूल नहीं है, यहाँ बड़े घरों के बच्चे आते हैं, ऐसे वाले नहीं आते। ए रमेश भैया, वो तुम्हारे वाली आ रही है, ये मौका है, पहलवान खिलाओ और थैंक यू कर देना पर उस दिन का। नमस्ते मैडम। जी वो उस दिन का थैंक यू कहना था, वो बच्चा हमारा ही निकला, मेरा मतलब अपने चतुर जी के गांव का निकला, अब तो वो काम भी करने लगा है यहाँ, यही अपने चौरसिया के यहाँ। अच्छा हाँ, वो आपने उसका मदद किया, इसके लिए थैंक यू। जी नहीं शुक्रिया। ले लीजिए, अपना ही है, डरने का कोई बात नहीं है। मैं पान नहीं खाती। अच्छा तो क्या खाती है बता दीजिए, हम वही ले आएंगे, चिकलेट गोली कुछ। किसी चीज की जरूरत नहीं है, थैंक यू। तो चलिए आपको थोड़ा आगे तक छोड़ देते हैं, इसी बहाने आपका हमारा साथ हो जाएगा और थोड़ा बातचीत भी कर लेंगे। सुनिए, आपने मुझे थैंक यू कह दिया, बहुत है, आपको मुझे पान देने की या कुछ खिलाने विलाने की जरूरत नहीं है, समझे? और हाँ, मुझे देखकर बात करने की या मुझे आगे तक छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगली बार मुझे देखकर बात मत कीजिएगा, ओके? क्या क्या हुआ, कब से जाना है स्कूल? अरे काहे का स्कूल, चिचोरापन है जी, चिचोरापन। क्यों क्या हुआ? अरे एक स्कूल वाले कहते कि मुन्ना बहुत छोटा है, तो दूसरे स्कूल वाले बोलते मुन्ना बहुत बड़ा है, एक स्कूल बोलता है कि हमें तो जगह ही नहीं है, और एक स्कूल वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे बच्चों को हम लेते ही नहीं है। चल बस बस बस, तू घबरा मत, जरा दाखिला हो जाएगा। क्यों रमेश? ए इधर आ गया, इधर आ, ये लो, सारी प्रॉब्लम तो ये है। क्या है? अरे भाई ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के जाओगे तो लोग तो भिखारी समझेंगे ना, आजकल जमाना स्टाइल का तो लोग समझते ही नहीं। बोला उन्हें बात कह रहा है, ठीक है प्रकाश, तेरे लिए भी नए चकाचक कपड़े दिला देंगे, फिर देखना इसका दाखिला होगा यूं यूं हैं। लो मेरी तरफ से ले जाओ, ₹40। मेरे पास भी है, ये लो मेरी तरफ। चले यार ये 20 ही रख ले। और मेरी तरफ से ये ₹30 तेरे को, ये ले। अब तेरे को नए कपड़े सिला कर देंगे, तो क्या लगेगा तू चकाचक। हाँ भाई राहुल कपूर जी, आपके स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे वो कुछ सीखा या ई पे अटका हुआ है? वो क्या बात करते पापा, अब यू समझिए वो सब कुछ सीख गया, मैं उनके साथ बहुत मेहनत करता हूँ, रोज पार्क में 1 घंटा, अब देखिएगा चतुरलाल जी मेरी मेहनत का क्या फल पाते हैं। जी क्या करेंगे आप?
ओके ओके बाय। राहुल आज की पढ़ाई कैसी रही? वेरी गुड पापा, आज तो कमाल ही हो गया। मुझे लगता है चतुरलाल जी अपनी मेहनत का अच्छा फल पाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं गुरुजी, आपके स्टूडेंट का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ओके ठीक। नो ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मर गए बेटा राहुल कपूर, मर गए। कमाल है। ए, 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 ये भी पहले ऐसे। नहीं 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 रमेश रमेश, ये काला चश्मा निकाल दे, कुछ ज्यादा स्टाइल नहीं हो गया है? चलो से भाई, कहीं देखो स्कूल में दाखिले की जगह फिल्म का हीरो बना दिया। अब देखते हैं हमारे बबुआ को कौन सा सुना दाखिला नहीं देता। ऐसे ही है ना चकाचक। अब देखो स्कूल वाले सब इसके पीछे पड़ेंगे। आइए आइए हमारे स्कूल में दाखिला लीजिए। हाँ चल बेटा चले स्कूल चल। अरे ये बत्ती किसने बुझा दी? हाँ। आप मुझे पढ़ाने का सपना छोड़ दे। अच्छा। मुझे यहाँ शहर में कोई नहीं लेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या कमी है तुझमें? मुझे नहीं पता, गांव में मास्टर जी मुझे कहते हैं बहुत तेज है। हाँ तो यहाँ भी कहेंगे ना, न जाने क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं कहते बेटा। देख जिंदगी में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उसे पीछे खींचने के लिए कई लोग तैयार रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए काफी जतन करने पड़ते हैं। तो बेटा अभी से इस लड़ाई में हार मान लेगा तो आगे जल के क्या करे? ये मुझे हार जीत का नहीं पता, मैं यहाँ शहर में हार जीत के लिए नहीं आया था। और सब पढ़ाई का चक्कर आपका, मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, सुन तो। क्या हुआ? अभी नहीं हुआ? अरे तू काहे फिकर करता है रे, ये उम्र है तेरी उदास होने की? ले पान खा। क्या पान खाने की भी काम हो रही है? सुन ऐसा कर, वहां जा पोपट के यहाँ और हम सबके लिए समोसे लेके आ। जा उसको बोलना खाते में लिख लेगा, और अपने लिए जलेबी ले आइयो, पसंद है ना तेरे को? जा शाबाश जा। जा बेटा जा। तुम अपने वो वकील साहब से क्यों नहीं बात करते भाई? बड़े आदमी है, कोई ना कोई हल तो निकालेंगे ही। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। रमेश जा उसको बोल मुझे बात करना नहीं आता, इसलिए सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था। नहीं भाई, पिछली बात बहुत भड़की थी, समझती है साल? ज्ञान रोज नई हीरोइन आती है तो सिनेमा बंद नहीं हो जाता। अरे हम है ना, अब नहीं भड़केगी। अच्छा पक्का? हाँ पक्का, तू जा। और ज्यादा टूटा करेगी ना तो सीता की जगह सावित्री बंद हो जाएगी। हाँ तुम यही हो ना? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। चल जा चल। मैडम चतुरलाल तैयार हो? तैयार है साहब। ठीक है तो बताओ ये क्या है? का, का माने कौआ। और ये क्या है? खा, खा माने खाना। और ये क्या है? गा, गा माने गंवार। वेरी गुड चतुरलाल, तुम टेस्ट में पास हो गए। पापा मैंने कहा था ना, मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा ठीक है, और ये क्या है? राहुल। पापा वो आगे के अक्षर नहीं आते, अभी शुरू के अक्षर ही आते हैं, है ना चतुरलाल? हाँ शुरू शुरू के अक्षर आते हैं। चतुरलाल ये है घा, और घा माने होता है घर। घर। ये राहुल तो तुम्हें कुछ पढ़ाता वढ़ाता नहीं है। नहीं साहब। अरे मैंने इसे तुम्हारे साथ पार्क में खेलते हुए देखा है, समझे? देखो चतुरलाल, मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूँ, पढ़े लिखों की दुनिया में बहुत कुछ है और अनपढ़ों की दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम्हें इंसान बनाया है ईश्वर ने, तो इसकी बुद्धि का कुछ इस्तेमाल करो। जानवरों से अलग बुद्धि दी है तुम्हें, तो इस्तेमाल करो, कुछ बनो, कुछ आगे बढ़ो, समझे? और पढ़ लिख कर दिखाओ, ये जो विद्या है ना, ये किसी का साथ नहीं छोड़ती, बाकी सब छोड़ जाते हैं।
तुम जो अपने दोस्तों से वो झूठ बोलते फिरते हो, कल यही सच साबित हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं? अरे साहब, हम अपने भविष्य की क्या चिंता करें, जिसका भविष्य हम बदलना चाहते हैं उसे तो स्कूल तक में दाखिला नहीं मिल रहा है। आप ही कुछ कीजिए ना। क्या हुआ? अब ये हमारा जो प्रकाश है उसको कोई स्कूल दाखिला नहीं दे रहा है। कोई कुछ वो मांगता है सर्टिफिकेट, तो कोई कुछ और। हम तो थक गए हैं साहब। हाँ पापा, प्रकाश स्कूल में नए कपड़े पहन के गया था। नए कपड़े पहन के गया? देखो, उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। हाँ। समझे, पढ़ाया करो। हेलो, हाँ। अनन्या जी हैं? तो प्रकाश, कैसा लगा अपना नया स्कूल? जी अच्छा है। इसे रोज दोपहर को यहाँ 3 बजे पहुँचना है, ठीक है? ठीक है। और कुछ? और कुछ जी नहीं चाहता, बस और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। गमला कैसे लिखते हैं? सबसे पहले गा लिखो। चलो लिख के दिखाओ, गा। और उसके बाद माँ। माँ के बाद ला पे कौन सी मात्रा? आका डंडा, है ना? ठीक है। उसके बाद घा से इसका मतलब ये कि जब हमारा पान लगाने का मन ना हो तो दुकान करी यूं बंद। यूं नहीं चाचा, इस पर खुला लिखा है यूं। यूं क्यों? यूं क्यों क्या? आप खुले पे बंद करोगे तो बंद हो ही ना हो जाएगा। अरे चुप, जुम्मा जुम्मा आए नहीं हुए मुझे सिखाता है। जानते हो हम तुमसे कितने बड़े हैं? जब हम बोले बंद तो ये बंद। आप क्यों बंद करोगे तो ही ना बंद हो जाएगा। ये दुकान किसकी है? आपकी है। तो फिर? तो फिर क्या, तो फिर भी खुला ही लिखा है। चुप, कबीरदास की औलाद हमको सिखाता है? क्या समझता है तो हम अनपढ़ है तो सारे काले अक्षर भैंस बराबर। हमने बोला बंद तो ये है बंद, बस। हाँ, इसको बंद लिखा है। तो नाराज क्यों होता है फिर? चल आज तेरी बात मान लेते हैं, दुकान बंद करनी हो तो यूं कर देंगे ले खोल, ठीक है? हाँ। कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, काम करेंगे, ठीक है? और प्रकाश, तुम रोज लेट आ रहे हो, आदत नहीं है तुम्हारी, कल से वक्त पर आया करो, बैठो चलो। हाँ, छा से झंडा, झंडा। हमारे झंडे में कितने रंग है? तीन रंग है। और बीच में क्या है? अरे भाई प्रकाश, इस चौरसिया को भी कुछ पढ़ा दे। हम नहीं पढ़े हैं, तुमने पढ़ना पढ़ लो। अरे काहे बुढ़ापे में घोड़ी चढ़वाते हो यार। हमारा मियां, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ही होती है, जब जी चाहा सीख लिया। अब तो सरकार भी तुम जैसे लोगों को साक्षरता पाने में मदद करती है। अरे सच? अरे ये तो कमाल की बात है, हम भी पढ़ सकते हैं। अब फिर अकेले चतुरलाल जी के ठाट नहीं रह जाएंगे। जो चतुर भैया, फिर तो हम भी पढ़े लिखे हो जाएंगे तुम्हारी तरह। कैसा ख्याल है? बस ऐसा ही ख्याल है, अच्छा ही है। प्रकाश, आज तुमने तीसरी बार अपना काम खत्म नहीं किया है। तुम रोज क्लास में देर से आते हो, अपना काम टाइम पर नहीं करते, क्लास में सबसे पीछे रह गए हो तुम। इधर ध्यान दो, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? या तो तुम देर से आते हो या तो अपना काम नहीं करते। बेटे, घर में कोई मुसीबत है तो बताओ। जी नहीं। क्या जी नहीं? मुझे आओ नहीं पढ़ना। क्यों? मुझसे नहीं होता, मैंने चाचा को भी कहा था, और वैसे मुझे जितना जानने की जरूरत है उतना मुझे आता है। कुछ नहीं आता है तुम्हें बेटा, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो सब आसान हो जाएगा। ध्यान लगाता हूँ ना, चाचा के यहाँ बहुत ध्यान लगाता हूँ, पर यहाँ पर आते आते थक जाता हूँ। मुझे लगता है तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। चाचा के यहाँ पर काम के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम सारी जिंदगी पान की दुकान पर ही बैठना चाहते हो, आगे जाकर कुछ नहीं करना चाहते? देखो, यही गलती चतुरलाल ने भी की थी। खूब काम किया, पैसा कमाया, लेकिन फिर क्या हुआ? Thank you.
क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ हाँ। चल तेरे स्कूल का टाइम हो गया, 3 बज गए, आ तुझे छोड़ दूँ, चल। नहीं नहीं, वो स्कूल बंद है आज। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, अटेंडेंस देंगे और क्या पढ़ेंगे आज? गणित पढ़ेंगे। चलो पहले नाम बता। बोल रही हूँ मैं, मनीष। हाँ जोर से। मुकेश। यस मैडम। शाबाश। विक्की। यस मैडम। राहुल। यस मैडम। प्रदीप। यस मैडम। प्रकाश। प्रकाश। पुनीत। वाजिद। मैं नहीं पहनूंगा। तो क्या तेरा बाप भी पहनेगा? मैं नहीं पहनने वाला। बेटा देख, तेरे स्कूल का भी टाइम हो रहा है, पहन ले मेरे अच्छे राजा बेटा। मैं आपके राजा बेटा नहीं हूँ, और आज वैसे भी स्कूल बंद है। क्यों, चौथा दिन है, छुट्टी है क्या? हाँ लंबी छुट्टी है। ओहो देखिए, नए फैशन की टाई है, पहन ले, दोनों बिजनेस वाले लगेंगे। मुझे नहीं बिजनेस वाला बनना, आपको पहनना तो आप पहन लो। मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। नहीं 15। 12। बहुत चौसिया भाई, एक गोल्ड का पैकेट दे दो। टाई वही लगा रखी है। बड़ा अजीब स्कूल है इसका, इतनी सारी छुट्टियां। अरे चौरासिया भैया, पूछो इससे, स्कूल से निकाल तो नहीं दिया? नहीं चाचा, वो गर्मी बहुत है ना, इसलिए सरकार ने छुट्टी दे दी है। फिर तो सरकार को भी बहुत गर्मी लगती होगी। मेरा मतलब काफी लंबी छुट्टी होगी। नहीं क्या छुट्टी लंब... कौन जी? मैं अनन्या सेठ, प्रकाश की टीचर। आइए ना चतुर्लाल। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते मैडम, आप यहाँ कैसे? मैं प्रकाश के बारे में पता करने आई थी, कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा, वो ठीक तो है ना? नहीं आ रहा? लेकिन प्रकाश तो बोला कि उसकी छुट्टी। अरे पकड़ो उसे। प्रकाश तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मैं दोनों नहीं कर सकता, मैंने पहले ही कहा था, चाचा का शौक था कि मैं स्कूल जाऊं, मैं नहीं कर सकता मैडम। आप इधर आएंगे? जी मैडम। चतुर्लाल जी, प्रकाश को मदद की जरूरत है। जी। देखिए अब ये तो आसान नहीं है कि वो काम भी करे और पढ़ाई भी करे, किसी एक में तो थोड़ी ढील देनी होगी ना। जी। इसे सहारे की जरूरत है, आप इसकी पढ़ाई में इसकी मदद कीजिए। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, और सुनिए कल से आपकी जिम्मेदारी है कि प्रकाश रोज स्कूल आए। जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ भाई? अरे भाई देख बेटा, प्रकाश तुझे पढ़ाई में मदद की जरूरत है, तो हम है ना सब तेरी मदद करने के लिए। अरे हम क्या मदद करेंगे, जो मदद करेंगे आप ही करेंगे। और क्या, ये बात ठीक है, हम ये है कि इसको काम से थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करें। हम दोनों तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आप लोग प्रकाश को बाहर भेजेंगे, मुझे उसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? जा बेटा जा, अब तो बड़े लोगों के साथ अकेले में मिलना होगा। प्रकाश तुमसे पढ़ाई नहीं होती क्या? मुझे कैसे पता, अनन्या मैम के घर पे फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हें पढ़ाई में मदद चाहिए। छुट्टी की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छुट्टी में? नहीं स्टूपिड, पढ़ाई में। लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। जा, तुम्हें अपने चतुर चाचा को मेरे साथ बिठवा कर पढ़ाई करवानी होगी, नहीं तो मैं जिंदगी भर टीवी नहीं देख सकता। ठीक है। साक्षरता का मतलब सिर्फ काका-घा सीखना नहीं है, इससे और बहुत ज्यादा है। कभी कभी किसी और को जिंदगी की सही राह सिखाते सिखाते हम खुद उसी राह पर चलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुनिया जानबूझकर हमारी राहों में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो लोग जो हर मुश्किल का सामना करते हैं, हर मौके को एक इम्तिहान समझते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे इंसान जरूर खोज लेते हैं जो उनकी मदद करने को तैयार हैं। कहीं हम किसी के सहारे, कहीं कोई और हमारे साथ। मुश्किलों का सामना एक साथ मिलकर हो तो जीत पक्की। एक बात तो माननी पड़ेगी, हर समय मुश्किलों से भागना कितना आसान लगता है,
हर मुश्किल सवाल का सही जवाब। परिस्थिति से भागना कभी सही जवाब नहीं था, ना हो सकता है। ये सिर्फ हमें अपना लक्ष्य से और दूर ले जाता है। कोई बड़े बदलाव तभी होते हैं जब हम सब छोटे छोटे कदम उठाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं पर उन सबके लिए जो हमारे अपने हैं। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे।